बच्चों, वेलकम बैक टू अनीता जायसवाल टीचिंग ब्लॉग्स। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पोएम फ्रॉम द गुलमोह बुक फॉर क्लास फोर्थ। द टॉपिक वी आर डूइंग टुडे इज अ पोएम ऑन द ब्रिज रिटन बाय द पोएट केट ग्रीनअवे। केट ग्रीनअवे वॉज अ चिल्ड्रन इंग्लिश book illustrator and a writer. She was among the most influential children's writer of her times. So Kate Greenaway was a poet who was very influential among children. That means she has a great influence on kids like us. So now we will move forward to the paragraph. If I could see a little fish, that is what I just now wish. I want to see his great round eyes, always open in surprise. So now the poet says, she wishes to see a fish that is very small, like as mentioned, little. She wishes to see a little fish who has a great round eyes, which is opening in surprise. That is not opening in surprise, but it is always open in surprise. तो यहाँ पे author कहना चाह रही हैं कि मुझे एक छोटी सी मछली देखनी है जो वो wish कर रही हैं, यानी जो उनका मन है कर देखने का, जिसकी बड़ी बड़ी गोल आँखें होती हैं और हमेशा वो खुली रहती हैं। I wish a water rat would glide slowly to the other side, or a dancing spider sit on the yellow flags a bit. तो अब यहाँ पे author कह रही हैं कि मुझे एक water rat को देखना है जो एक छोर से दूसरे छोर धीमे धीमे चुपके से जाता है, या तो एक डांसिंग स्पाइडर। स्पाइडर कौन होता है? स्पाइडर वो होता है जो मकड़ी, जिसको बोला जाता है हिंदी में, और वो अपना जाल बनाता है। तो अपने जाल बनाते समय वो उछलता कूदता रहता है, तो वो डांस, यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि डांसिंग स्पाइडर, वो चाह कह रही है कि उसको वो विश कर रही है कि वो येल्लो फ्लैग्स जो एक बिट यानी कि थोड़ी दूर पे ही है, थोड़ी दूर पे है एक येलो फ्लैग, वहाँ पे जाके दिखे हमको। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक आई विल गेट सम स्टोन्स टू थ्रो एंड वॉच द प्रिटी सर्कल्स शो, और शैल वी सेल अ फ्लावर बोट and watch it slowly slowly float. तो अब author यहाँ कहती हैं, I think I'll get some stones to throw, मतलब वो सोच कहती है अपने दोस्त से कि मैं मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ पत्थर ले आना चाहिए जो कि मुझे अब पानी में फेंकना चाहिए, फेंकते हैं। तो आपको जब मालूम होगा, जब भी आप पानी में फेंकते हो कोई भी चीज़ जैसे स्टोन, तो पानी में एक रिपेल इफ़ेक्ट बन जाता है। रिपेल इफ़ेक्ट मतलब एक गोल गोल सा आकार बन जाता है, तो उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यही ऑथर अपनी दोस्त से कह रही हैं कि हमको भी अभी वही मन कर रहा है करने का। तो यहाँ पे वो कहती हैं, आई वॉन्ट सम स्टोन, आई गेट सम स्टोन्स टू थ्रो, मतलब मैं कुछ पत्थर उठा लाती हूँ फेंकने के लिए, और उसके बाद मैं देखूँगी उसके जो खूबसूरत गोल गोल आकार के सर्कल बनते हैं उसको पानी के ऊपर। फिर और शैल वी सेल अ फ्लावर बोट एंड वॉच इट स्लोली स्लोली फ्लोट। तो फिर वो दूसरी लाइन में कहती है, अपने दोस्त से पूछती है, क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इंटरोगेटिव है। तो वो कहना चाह रही है कि हम लोग या तो ऐसा कर लेते हैं कि एक फ्लावर बोट बना लेते हैं, यानी कि नाव, पेपर की नाव बना लेते हैं जो धीरे धीरे तैरते हुए पानी में जाएगी। दैट्स नाइस बिकॉज यू नेवर नो हाउ फार अवे इट मीन्स टू गो, एंड व्हेन टुमारो कम्स
यू सी इट मे बी इन द ग्रेट वाइट सी। तो अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में क्लियर नहीं है कि और वो पोएट क्या कहना चाह रही है, बट यहाँ पे ये पता चल रहा है कि उनकी फ्रेंड उसका रिप्लाई देती है कि दैट्स नाइस। दैट्स नाइस किसको कह रही है? फ्लावर बोट को। बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि तुमको बिल्कुल नहीं पता है कि वो कितना दूर जा सकती है। हाउ फार अवे इट मीन्स टू गो। एंड देन टुमारो कम्स, अब जब कल होएगी तुम देखोगी कि ये एक बड़ी सी समुंदर में पहुँच ही तुमको मिली है। इट मे बी इन द ग्रेट वाइट सी। सो दोस्तों बच्चों, ये थी पोएम ऑन द ब्रिज। हम लोग अब ऑथर के बारे में बात करते हैं। केट ग्रीनवे वॉज एन इंग्लिश चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेटर एंड राइटर, जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हु वॉज शी, उन्होंने अपने टाइम पे बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी थी और एक मिसाल कायम की थी। तो ये थी स्टोरी बच्चों ऑन द ब्रिज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक छोड़ें और एक प्यारा सा कमेंट लिखकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Bye.